एक मत से आपका भविष्य तय होता है, पूरे प्रदेश का भविष्य तय होता है, देश का भविष्य तय होता है। सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसको लगाएं, फैसला करने का काम न्यायालय का है। इसमें तिथि बढ़ाई जानी चाहिए यदि किसान धान नहीं बेच पाए। फोटो बदलने का, फोटो छपाने का बहुत शौक है तो फोटो बदल लीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिंह और हम भी हैं तो काम तो करने दो भाई, कुछ काम हुआ नहीं है और आप बोलते हैं उसमें प्रतिक्रिया दो। आज छेरछेरा पुन्नी है, सब लोग बहुत बहुत बधाई छेरछेरा के। और छेरछेरा पुन्नी में सब अभी जैसे लड़का मन सब घर में जाते हैं और सब जन जोरदार नारा लगाते, छेरी छेरा छेर बरतनी छेर छेरा माई कोटिक धान ला हेर हेरा। तो ये सब नारों के साथ बच्चों की टीम, महिलाओं की टीम, युवाओं की टीम सब निकलती है और छेरछेरा पर्व सब मनाते हैं। बहुत सारे लोग बाजा गाजा के साथ निकलते हैं, बहुत प्रकार के आयोजन होते हैं। ये खुशी का मौका है क्योंकि किसान फसल इकट्ठा कर लेता है और समाज के सभी वर्गों को वितरित भी करते हैं, मुक्त हस्ते से दान भी देते हैं। तो ये परंपरा वर्षों से चली जा रही छत्तीसगढ़ में और आगे भी चलती रहेगी। आज मतदाता दिवस भी है, अपने मतदाताओं से आप क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ के मतदाताओं? छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से ये कहना चाहूंगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आपके एक मत से आपका भविष्य तय होता है, पूरे प्रदेश का भविष्य तय होता है, देश का भविष्य तय होता है। तो इसे आप सोच समझकर निर्णय लें, केवल भावनात्मक या किसी से नफरत के आधार पर नहीं, बल्कि आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश और देश के उन्नति के लिए इसका उपयोग करें। सर, कबाड़ी का फेस हो रहा था, अजय हत्याकांड मामले में, कवर्धा हत्याकांड मामले में छह आरोपी पाए गए थे, जिनमें अब जो आरोपी है आयाज खान, उनके यहाँ बुलडोजर पर कार्रवाई की गई है, तो बुलडोजर की एंट्री अब जो है छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये न्यायालय और कार्यपालिका और विधायिका, संविधान में तीन व्यवस्थाएं हैं और मैं समझता हूं कि जिसका जो काम है, विधायिका को कार्यपालिका पे, कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसे गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जो संविधान में आईपीसी में सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसको लगाएं, फैसला करने का काम न्यायालय का है। अजय हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी, ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, किसमें कार्रवाई होगी? यदि पुलिस प्रशासन को निर्देश कैसे दे सकते हैं? पुलिस तो वो जो घटना घटित हुई है उसमें जो धाराएं लगती है उसको लगाया जाता है। ये तो निर्देश दे रहे हैं, इसका मतलब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। सर ये नहीं, सर आप दुकानें अब नहीं खुलेगी, कल कैबिनेट की बैठक में कम नहीं हो रहा है धान खरीदी, जो आपने जो लक्ष्य वो तो हो गया, लेकिन 3100 को पता नहीं है। देखिए, अभी 3-4 दिन बचे हैं, कितने किसान, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हुआ है, धान कम बेचे हैं, तो इन किसान यदि धान नहीं बेच पाए हैं तो स्थिति देखनी पड़ेगी। कितने किसान नहीं बेच पाए हैं, इसमें तिथि बढ़ाई जानी चाहिए यदि किसान धान नहीं बेच पाए। आम आदमी पार्टी भी अब इंडी गठबंधन से अलग हटके चलने की तैयारी कर रही है, लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा नहीं है? सर पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है, पंजाब में वहाँ स्थिति ये है कि कांग्रेस और आप पार्टी आमने सामने, ठीक है ना, और दिल्ली में जहाँ है वह समझौता की बात हो रही है। राशन कार्ड जो है 70 लाख राशन कार्ड से नवीनीकरण शुरू हो रहा है, क्या पिछली बार जिस तरह 2013 में आप लोगों ने आंदोलन भी किया था काटने के नाम, ऐसी कोई आशंका है? अब होने तो दीजिए, काम तो करने दीजिए भाई, आप पहले से बोल रहे हैं क्या आशंका है? क्या राशन कार्ड अभी बदल रहे हैं, फोटो बदलने का, फोटो छपाने का बहुत शौक है तो फोटो बदल लीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और उसके बाद क्या होता है देखते हैं, आप भी हैं और हम भी हैं तो काम तो करने दो भाई, कुछ काम हुआ नहीं है और आप बोलते हैं उसे प्रतिक्रिया दो, है ना। आप गणतंत्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं, गणतंत्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं, पूरे देश भर में अभी गणतंत्र की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? छत्तीसगढ़ में भी कुछ असर दिख रहा है सरकार बदलने के बाद? देखिए, ये तो जो देश है और वर्तमान में जो नेतृत्व है केंद्र में, उसमें ये लगता है कि प्रजातंत्र को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जो असहमति के जो स्वर हैं
उसे दबाया जा रहा है और सारे जो एजेंसी हैं, सारे जो संस्थाएं हैं, उसके अधिकार में कटौती किया जा रहा है, उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। अब स्वतंत्रता लोगों की धीरे धीरे घटती जा रही है और एक स्थिति आएगी जब संविधान खतरे में। सर एक आखिरी सवाल, ये नक्सलवाद को लेकर जो बार बार जिक्र होता है प्रदेश में, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाती है, गृह मंत्री का बयान आता है कि कॉम्प्रोमाइजेशन की सरकार थी, नक्सलवाद के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जो है पूर्ववर्ती सरकार चलती रही है। अभी तो टेलीफोन से भी बात करने तैयार है, जबकि हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था संविधान पे विश्वास व्यक्त करिए, हम बात करने के तैयार हैं। नक्सलियों का संविधान पे विश्वास ही नहीं है, समझ गए ना, और ये है वो टेलीफोन से बात करना चाहते हैं। तो मतलब समझा जा सकता है, इनको संविधान से कोई लेना देने नहीं, न नक्सलियों को न यहाँ के जो जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया उसको, संविधान के दायरे में रख के बात करेंगे। आप गृह मंत्री हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते।